हाँ भाई, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया यार, जिन्होंने मुझे पिछली वीडियो के वीडियोस पे सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रगुजार हूँ। और बहुत ही यार ज़्यादा माजरत है आज के लिए कि मेरी वजह से आपकी भी एक लिमिट जो है सिंगल लिमिट से आपको खाने के लिए कहा था वो लॉस हुआ। वहाँ पे विकेट एक्सपेक्टेड थी लेकिन वो बिल्कुल सीधा हो गया मैच, तो उसके लिए इंतहाई माजरत। खैर, एक बिज़नेस के अंदर लॉस और प्रॉफिट दोनों ही होता है, तो कोई बात नहीं, अपने अगले मैच में हम पूरा करेंगे। तो बात करते हैं अपने अगले मैच की, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, कल 18 बजे नवंबर 18 को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11:30 और इंडियन टाइम के मुताबिक 12 बजे ये मैच खेला जाएगा न्यूजीलैंड के अंदर। बता दूं आपको कि इस दफ़ा जो इंडियन टीम है उसके अंदर बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं, बहुत बड़े चेंजेस किए हैं उन्होंने। जो मेन उनके जो थे प्लेयर्स थे वो उन्होंने चेंज किए हैं जी, तो ये एक अच्छा एक कांटेदार मैच होने वाला है। बात करते हैं जी प्लेइंग 11 इंडिया की तरफ से, तो शुभमान गिल हो सकते हैं, ऋषभ पंत होंगे, ईशान किशन होंगे, यादव होंगे, हार्दिक पांड्या कैप्टन है, कैप्टन बना दिया गया हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड कप के बाद। संजू सैमसन एक अच्छे प्लेयर, शुक्र है नहीं मौका मिल रहा है। और दीपक हुडा, सुंदर, हर्षल पटेल, अर्शदीप मलिक, अर्शदीप सिंह और इमरान मलिक। न्यूजीलैंड की तरफ से प्लेइंग 11 की बात करें तो एलन फेबियन, डी कॉनवे, विलियमसन, फिलिप्स, मिचन, निशाम, ब्रेसवेल, सैटनर, साउथी, एडम मिलने और लॉकी फर्गुसन। ट्रेंट बोल्ट को इस मैच में जो है वो रेस्ट करवा दिया गया, ठीक है। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं जी, तो कल जो है पिच जो है वो बारिश एक्सपेक्टेड है, बारिश होने के चांसेस है न्यूजीलैंड के ग्राउंड में। और पिच जो है ये बैटिंग की पिच है, अगर आपको एवरेज स्कोर इसके ऊपर बनेगा तो एवरेज स्कोर 160 है बैटिंग पिच का, तो 160 तक का जो है वो स्कोर हम एक्सपेक्टेड है, ठीक है जी। अपने सेशन की बात कर लेते हैं, 6 ओवर का सेशन ये देखिए इस तरह से पट्टी में आता है, ठीक है। जो आई डी चलाते हैं ये 6 ओवर सेशन इंडिया, 6 ओवर सेशन न्यूजीलैंड, तो 6 ओवर सेशन की बात करते हैं जी। इंडिया का 6 ओवर का सेशन 44 से लेके 50 के दरमियान में रहने वाला है, और इंडिया का 20 ओवर का सेशन, ये जो 20 ओवर आ रहा है ये देखें, ये 150-160 रहने वाला है, ठीक है मेरे भाई। और बता दूंगे न्यूजीलैंड का 6 ओवर का सेशन 44-50 के दरमियान में रहने वाला है, और न्यूजीलैंड का 20 ओवर का सेशन 160-170 के दरमियान में रहने वाला है। आप यहाँ पे 1 सिंगल लिमिट से 9 भी कर सकते हैं, ये सेशन जो न्यूजीलैंड का एडवांस आ रहा है सिंगल लिमिट से 9 कर सकते हैं जो करना चाहते हैं एडवांस में। वैसे तो एडवांस में ना करें, ये सब चीज़ें ये प्लेयर वगैरह ये सब कुछ आपको जो है वो फंसाने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। सिंपल मैच किया करें, सेशन से थोड़ा परहेज किया करें। फिर भी जो भाई सेशन करते हैं उनको सेशन समझा दिया। अब बात करते हैं जी टॉस की, तो टॉस कल हमारी तरफ से न्यूजीलैंड विन करेगा, ठीक है, न्यूजीलैंड विन करेगा। और ये मैच कौन जीत सकता है, तो मैच मेरे भाई ये मैच इंडिया जीत सकता है। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप चेंज हुआ है और ये मैच इंडिया जीत सकता है कल का। बाकी कल क्या होता है ये तो टॉस के बाद पता चलेगा, और अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल के मैच में। और होपफुली आज का लॉस जो कल के मैच में पूरा करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब करे ताकि आने वाली वीडियोस आपको बताता रहूँ मैं, आपको पता चल जाए कि मैच में करना क्या, सेशन कहाँ से कहाँ तक है, टॉस कौन जीतेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप खेल सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे नहीं खेल सकते डायरेक्टली जाके। तो मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और अगर फ्री एंट्री चाहते हो बगैर किसी पैसे दिए
तो टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, टेलीग्राम पर आपको सेशन मैच सब फ्री एंट्री करवा दी जाती है, ठीक है। तो मेरे भाई टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहले कमेंट में भी मौजूद है, आप वहाँ से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। बाकी मिलते हैं अपने अगले मैच में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।